कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे कह जाएंगे, पार्लियामेंट बजाएंगे, कहे कह जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। किसान आंदोलन 3 महीने का होने को आ गया है और किसान आंदोलन 3 महीने के बाद अब एक नया रुख और एक नई दिशा और दशा की तरफ बढ़ने को बेकरार है और बेचैन है। इन सभी के बीच न जाने कितने विवाद जुड़े हैं और अगर सबसे बड़ा किरदार कोई निकल करके सामने आया तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राकेश टिकैत। और राकेश टिकैत जब जब ललकारते हैं तो खबर बनती है, राकेश टिकैत के आंसू बहते हैं तो खबर बनती है, राकेश टिकैत चीखते हैं और चिल्लाते हैं तो खबर बनती है, राकेश टिकैत अगर अंगड़ाई भी आज की तारीख में लेते हैं ना कहते हैं तो भी खबर बनती है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं ये राकेश टिकैत की अंगड़ाई है, 40 लाख ट्रैक्टर की चढ़ाई है। क्या बढ़ने वाला है संग्राम, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह कह दिया है कि अब की बात 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर के साथ में घमासान किया जाएगा। अब किसान बोला संसद चल, लेकिन क्या ट्रैक्टर से निकलेगा हल, क्योंकि अब हल क्रांति की बात करने लगे हैं राकेश टिकैत। तो ऐसे में सवाल यह है किसान कानून की लड़ाई क्या 40 लाख ट्रैक्टर पर आ गई है और 40 लाख ट्रैक्टर के जरिए क्या वाकई में सरकार झुक जाएगी, क्या ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार झुक जाएगी, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान को बंद किया गया, भारत बंद बुलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया, चक्का जाम किया गया, टोल फ्री किया गया, लेकिन 40 लाख ट्रैक्टर से जब आर पार करेंगे, जब संसद घेरेंगे किसान, डर यह है कि कहीं 26 जनवरी जैसा हो ना जाए घमासान। और यही एक वजह है कि आज की बड़ी खबर, इसी बड़ी खबर को हम बीच बहस में लेकर के आए हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर के राकेश टिकैत ने केंद्र को दे दिया नई चेतावनी। पहली बड़ी खबर, कानून वापस नहीं हुए तो संसद मार्च करेंगे, राकेश टिकैत ने कहा इस बार 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, ये भी राकेश टिकैत बोले। राकेश टिकैत ने सीकर की किसान रैली में यह बड़ा बयान दिया है, ये कान खोल कर सुन ला दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है, अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे कह जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे कह जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हल क्रांति होगी, हल क्रांति में क्या क्या चीज इस्तेमाल होती है वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। मैं थोड़ी देर के बाद में डिबेट को ओपन करने जा रहा हूं और हमारी डिबेट की लाइन एक ही होगी कि अगर राकेश टिकैत की ये नई ललकार है और राकेश टिकैत ने ये कह दिया है 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे, संसद का घेराव करेंगे, पहला सवाल आखिरकार संसद का घेराव कब किया जाएगा, दूसरा सवाल राकेश टिकैत जो भी बोल रहे हैं क्या ये संयुक्त किसान मोर्चा की आवाज है या फिर अपने व्यक्तिगत लेवल पर ही इस तरह की बात, जब खापों के बीच जा रहे हैं, जाटों के बीच जा रहे हैं, पंचायतों के बीच जा रहे हैं तो ये बात कह रहे हैं। ये सभी सवाल लेकर के मेरे सीनियर कोलीग जतिन गोस्वामी राकेश टिकैत तक गए, उनके दिल की बात जानने की कोशिश की, जबान पर क्या था ये आप सुने, दिल में क्या है इसका अंदाजा लगाएं। नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे, राकेश टिकैत जी ने ये बात राजस्थान के सीकर में मंच से कही। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद है, इसके मायने समझना चाहेंगे, 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर इस बार दिल्ली में जाएंगे, आपने कहा है। हमने बहुत दिन से ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टरों को हमको जोड़ना है जी। वे 40 लाख ट्रैक्टर कर्नाटक में चले, वे तमिलनाडु में चले, वे आंध्र प्रदेश में चले, वे दिल्ली में चले, वे कहीं पे भी चले, जिस दिन आंदोलन होगा 40 लाख ट्रैक्टर इस आंदोलन से जुड़ेंगे जी। और आप भी जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, हजारों हजारों ट्रैक्टर, 500 ट्रैक्टर, 200 ट्रैक्टर आंदोलन वाते हैं, ऊंट गाड़ियां वे आ रही है, जो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनेगा तो उनकी संख्या 40 लाख के आसपास होगी। संसद की तरफ भी जाएंगे ये भी कहा है, संसद की तरफ किस दिन जाना है वो कॉल करके बताएंगे, वो आज जाना, इस साल जाना, 2 साल बाद में जाना, 1 साल बाद में जाना, उसकी तारीख कब होगी जाएंगे। यानी ये लग रहा है कि लंबे वक्त तक शायद मांग नहीं मानी जाएगी, तो उस लिहाज से आप ये उस संदर्भ में कह रहे हैं ये जी। और ये पूरा मोर्चा तय करेगा उसकी जो डेट होगी जी। कब होगी, क्या होगा, जाना तो पड़ेगा। पार्क में खेती करने को कहा है इंडिया गेट के आसपास या इंडिया गेट पर भी, ये कहा कि सरकार नहीं मान रही, उनको ये लगता है कि खेती में बहुत फायदा है तो वहाँ पे पार्क पड़े, उसका पूरा लेखा जोखा रखो, जिस दिन से पहले दिन से ट्रैक्टर चले और जो उसमें फसल बोएगी वह बाजार में जाने तक वो किस कितना खर्चा है, क्या लाभ है भाई, उसकी एक स्टैंडिंग कमेटी एक बना दो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बना दो, उसमें मेंबर पार्लियामेंट रख दो, उनकी देख रेख में पूरा काम हो तो उनको जानकारी हो जाएगी कि नफा है या नुकसान।
40 लाख ट्रैक्टर की क्योंकि बात आई, तो उसके बाद अब ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो 26 जनवरी को हुआ 4 लाख ट्रैक्टर में जो हुआ जाहिर है हिंसा हुई वहां पर, 40 लाख ट्रैक्टर मैनेज कैसे हुआ? मैनेज कैसे मैं क्या हुआ? लाल किले पे कोई भुत्तू के घर में कोई जाना चाहता है? 7000 लोग इसमें लाल किले को बचाने में हमारे मारे गए थे, ठीक है, जब अंग्रेजों ने इसको घेर रखा था 7000 लोग मारे गए थे, ये नहीं इतिहास में दर्ज है। मतलब लाल किले पर जाकर क्या करेंगे? लाल किले में कोई कानून बने हैं? ये भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, वो देश में नहीं होगा। हम कॉल करेंगे तो पार्लियामेंट की करेंगे, अगर हमको पहले भी करनी थी तो पार्लियामेंट की करते हम। लाल किले में कोई कानून बनने, और जिसने कोई कराए उस पर किसी ने धार्मिक झंडा लगा दिया कहीं, उसका जो कानून बनता हो कार्रवाई हो जाएगी उसमें, बिलू का उससे क्या संबंध है? लेकिन सवाल क्योंकि वही था कि अगर इंडिया गेट जैसे 40 लाख ट्रैक्टर हैं, जितने भी लाख दिल्ली में जाएंगे, तो ये सुनिश्चित कैसे होगा कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़? चले जाएंगे, कर लेंगे उसमें, सरकार माननी नहीं है, दिल्ली में भी ना जाओ जी, जाएंगे दिल्ली में। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे, उन्होंने तमाम मसले पर जो बातचीत की, खासकर जो 40 लाख ट्रैक्टर वाली बात है उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गृहमंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बड़ी बात यह है कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, और गृहमंत्री अमित शाह का यह कहना था कि आज देश की खेल के लिए स्वर्णिम दिन है। वापस अपनी बहस पर लौट करके आते हैं। बहस यह है कि टिकैत की नई अंगड़ाई है, 40 लाख ट्रैक्टर की चढ़ाई है 40 लाख ट्रैक्टर के जरिए, क्योंकि आह्वान यह कर दिया है कि संसद मार्च किया जाएगा। यह टिकैत ने कहा है कि इसके जरिए सरकार पर वाकई से दबाव बना सकेंगे। राकेश टिकैत, डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। हम एक जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं हम एक जमाई भी। और जयकांत मिश्रा थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं जो किसान नेता हैं। लेकिन पहले जतिन के पास में चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर जतिन है। जतिन, ये 40 लाख ट्रैक्टर की जो बात कर रहे हैं राकेश टिकैत, क्या ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत उनका बयान है या फिर ये संयुक्त किसान मोर्चा, क्या डॉक्टर दर्शन पाल भी यही मानते हैं, क्या गुरुनाम चढ़ूनी भी यही मानते हैं, क्या शिव कुमार कक्का भी यही मानते हैं? देखिए, ये बात तो साफ है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा में दूसरे किसान नेता हैं, वो खुद के वजूद को लेकर निश्चित तौर पर उनके जो वर्ड्स हैं राकेश टिकैत से, वो अलग देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी इसमें क्योंकि दूसरे किसान नेताओं का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो आप सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वो होगा, और कब वो तारीख तय होगी जिसमें वो संसद की तरफ जाएंगे और 40 लाख ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को साफ नहीं किया है कि ऐसा कुछ होगा, और अगर होगा तो कब होगा। हालांकि देखिए, तस्वीर दिखाना जरूरी है, तो आप देखिए ये गाजीपुर बॉर्डर की आज की तस्वीर है। तमाम किसान यहां पर उसी तरह से मौजूद हैं जैसे लगातार मौजूद रहते हैं, और गर्मी के मौसम में भी आप देखिए कि जो उनकी संख्या है वो कुछ बड़ी है। पूछ लेते हैं आपसे, ये पूछना चाहेंगे, 40 लाख ट्रैक्टर की बात अब कही है राकेश टिकैत साहब ने दिल्ली में ले जाने के लिए, कैसे मैनेज होगा, किसका यह आह्वान है, क्या कुछ सोच रहे हैं इस पर किसान? उसके बारे में सोच के बताया जाएगा। आप बताइए क्या सोचते हैं इस पर? भाई, इसमें सुनो, सोच रहे इतना ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, इतना हमारे ट्रैक्टर भी आते रहेंगे और हम भी सब आते रहेंगे। 4 लाख ट्रैक्टर गए थे आप लोगों ने कहा कि 4 लाख, वो मैनेज नहीं हो पाए वहाँ पर, 40 लाख कैसे मैनेज होंगे दिल्ली में फिर? अरे तू तो 40 लाख की बात करे, हम 1 करोड़ भी ट्रैक्टर पैदा करेंगे यहाँ से। हाँ, अगर आपको कोई सवाल करना है हाथ उठाइएगा, अपना सवाल भी कीजिएगा। मेरे सीनियर कोलीग जतिन अगले 1 घंटे तक मेरे साथ में है। जयकांत जी, ये ब्लैकमेलिंग बार बार क्यों की जा रही है? 40,000 लेकर के जाएंगे, फिर 4 लाख लेकर के जाएंगे, 40 लाख लेकर के जाएंगे। अब जतिन से बात करने वाला एक प्रदर्शनकारी ये कह रहा है 4 करोड़ भी हम लेकर के जाएंगे, ये ब्लैकमेलिंग क्यों? नहीं नहीं, देखिए ये ब्लैकमेलिंग नहीं है राशिद भाई। हम लोग पिछले करीबन निरंतर 3 महीने से हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हाँ। और जो संसद में हुआ उस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया, संसद से बाहर जो हुआ उस पे भी चर्चा किया, जो आंदोलन हुआ उस पे भी चर्चा किया। देखिए, ये सरकार जो है ये कहां से शुरू हुई और कहां तक आ गई, आप पिछला जब ये इसका इतिहास देख रहे हैं 3 महीने का, तो ये पहले इन लोगों ने इस आंदोलन को आंदोलन ही नहीं मारा। आप पहले इन्होंने बोला कि ये पंजाब का है, फिर हरियाणा का है, फिर सरदारों का है, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, फिर जाट का है, फिर खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कनाडा से फंडिंग है, चाइना से फंडिंग है, अब क्या है कि मुट्ठी भर किसान है, फिर अब कह रहे हैं
कि भीड़ से बदलाव नहीं होगा, फिर कह रहे हैं ये जाटों का है, तो ये घूम रहे हैं, फिर पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मुख्य मुद्दे पे ये बात नहीं कर रहे हैं। और हम लोग, अरे तो आप लोग भी मुख्य मुद्दे पे कहाँ बात कर रहे हैं, आप जाट के पास जा रहे हैं, आप खाप के पास जा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हम दिल्ली हिला देंगे, आप कहते हैं बॉर्डर हिला देंगे, 4 करोड़ ले आएंगे, 40 करोड़ लेकर के आएंगे, यासिर जिलानी 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में कैसे संभालेंगे आप लोग, आपकी पुलिस कैसे संभालेगी? यासिर भाई अब तक आवाज आ रही है क्या? चलिए ठीक है, यासिर जिलानी तक आवाज, हाँ बोले आ गई आपकी आवाज, आ गई, बोलिए। देखिए राकेश भाई, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे उनके भाई नरेश टिकैत हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव जो डेली टीवी पे आके क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं मालूम, कंफ्यूज है ये पहले कह रहे थे 4 लाख, उसके बाद अब 40 लाख, और आज आपके पत्रकार बंधु से 1 करोड़ ट्रैक्टर। कोई रिसर्च नहीं कि रोड पे कहाँ खड़ेंगे, ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई, ट्रैक्टर कितनी जगह लेता है, इनको मालूम नहीं, इन्हें सिर्फ बोलना। और देखिए भारत की जनता, भारत के किसान समझते हैं। आज मैं स्पेशली इस बात को भी ऐड करूंगा कि आज जो ऐतिहासिक पीएम किसान, जो एक बहुत बड़ी योजना भारत की है, आज उसको 2 साल पूरे हो गए, 11 करोड़ 64 लाख जो भूमि, छोटे भूमि पे किसानी करने वाले किसान है लाभान्वित हुए। आप समझ नहीं रहे कि एक तरफ जो सरकार है वो किसानों के साथ खड़ी दिखाई देती है, उनके कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश की जा रही है, और ये लोग सिर्फ हर्म नहीं, पैदा कर आप रहे। जबान से तो ये कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ में खड़ी है, लेकिन राकेश टिकैत को समझ में थोड़ी आ रहा है। अमित भाई राकेश टिकैत को लोगों ने हल्के में लिया। यासिर भाई आते हैं एक बार भी उत्तर प्रदेश का नाम लिया कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में वो, मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा, लेकिन अमित भी हैं चूंकि जमीन पर रह करके काम करते हैं अमित भाई, और किसानों के मुद्दे पर बहुत मुखर भी रहते हैं। लेकिन अमित जमाई, ये जो 4 लाख ट्रैक्टर्स जाएंगे, इनमें कोई समाजवादी ट्रैक्टर होगा या नहीं होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं, संजीव बालियान के जाने पर जो उनके भाजपा के कार्यकर्ताओं के जरिए जो वहां पे किसानों से पे जो हमले हुए, जो उनपे मारपीट की गई है, मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूं, किसानों से टकराने की हिम्मत मत करना। आगे कोई गलती भारतीय जनता पार्टी के एक एक वर्कर से होनी नहीं चाहिए कि किसानों के ऊपर कोई धमकी है, चेतावनी है, संदेश है। अमित भाई धमकी है, चेतावनी, संदेश है, ये चेतावनी है, ये संदेश है, और ये हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से। आप भी धमकी देंगे, राकेश टिकैत भी धमकी देंगे, तो काम कैसे चलेगा? लोकतंत्र क्या धमकियों से चलेगा क्या? उत्तर प्रदेश का या देश का किसान हो, एक काम कर लेते हैं अमित भाई, यही सब अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अमित भाई यही सब अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। 2 मिनट का छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं, और उसके बाद आंदोलन के नए स्ट्रक्चर की चाशनी में लपेट करके जब हम इस बयान को देखेंगे, वहीं से अपनी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, और डिबेट में हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार राकेश टिकैत के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं या फिर नहीं। एक ब्रेक।